क्वाइट दोस पीपल जिनके बिना ये फिल्म बनी नहीं सकती थी द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म द प्रोड्यूसर्स एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रवि गुप्ता ऑन स्टेज सर कैन आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज सर माइक लेकर ही आए आई थिंक सर मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा Guys, can we cheer for this cute girl here? अगर मैं स्कूल टीचर होती ना बहुत पनिशमेंट मिलने वाली थी एनीवेज ऑलराइट इससे पहले कि आई यू नो गिव यू ऑल टू द मीडिया आई हैव फ्यू क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू एंड सर मैं वहां आ जाती हूँ क्योंकि पहला सवाल आप ही से है यू नो सर वो हम दो हमारे बारह दैट्स अ वेरी कैची लाइन One, two, three. Wow! Sir, center look, center look. Sir, Annu ही थोड़ा अंदर. हाँ, बस, बस, बस. Okay, सामने. सामने. Down low. एक मिनट सामने ले लेता हूँ. Okay, sir. Thanks, sir. Thank you. बताना चाहिए आप फिल्म के बारे में क्या क्या. बहुत ज़्यादा reveal तो नहीं कर पाएंगे. बहुत ज़्यादा रिवील तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जैसे भी मैंने बताया स्टेज पे एक सोशल मैसेज है आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन इतना बड़ा एक चीज़ बनती चली जा रही है तो हम लोगों ने वो एक अपनी स्टोरी को थोड़ा फनी थोड़ा सा एक स्लाइस ऑफ लाइफ के जरिए ना आगे बढ़ाने की कोशिश की बस ये इतना और पोस्टर को देखते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो सकता है क्योंकि जो चीज़ें पोस्टर में दिखाई दे रही है अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें एक धर्म को लेके नहीं कंट्रोवर्सी की बात है ही नहीं है ऐसा कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल है ही नहीं है मेरे हिसाब से तो जैसे जो स्टोरी मिलती है हम लोगों ने उस तरह इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की बस उसमें कंट्रोवर्सी का तो कुछ नहीं और सर एज अ डायरेक्टर रजत सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अनु सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किया मैं तो बहुत जूनियर हूँ सर से मैंने उल्टा सीखा काफ़ी अभी तो काम करना बाकी है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और अच्छा होगा अच्छा ही होगा इस तरह का सब्जेक्ट ही नहीं हर सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है भाई काम को अगर आप गंभीरता से समझेंगे कैजुअली नहीं लेंगे किसी भी चीज़ को तो वो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जो जिनको कैजुअली काम सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है हमें तो एक एक पैसे के लिए बहुत मेहनत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है एक एक रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा है तो कोई भी फिल्म हो अभी कमल चंद्रा की फिल्म है अगले साल ये दूसरी कोई फिल्म बनाएंगे वो ऑफ़र करेंगे करेंगे नहीं करेंगे मैं तो हर फिल्म के लिए बहुत मेहनत करता हूँ तो अनु सर का हमारी फिल्म में आना हमारी खुश नसीबी है ये हमारे साथ काम कर रहे हैं और इनके जैसा एक्टर शायद हमारे हिंदुस्तान में नहीं है इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन इन द आवर इंडस्ट्रीज हम बहुत खुश हैं इनके साथ काम करने के लिए हम बहुत मतलब उत्साहित हैं हमारी पूरी टीम और हमारे साथ में दो और एक्टर्स हैं मनोज जोशी जी हैं उनको भी ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ में वो भी एंड अश्विनी कालशेकर भी हैं वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं वो भी शूट पे कहीं बिजी हैं हैदराबाद में एंड मनोज जोशी दिल्ली में बिजी हैं इसलिए वो नहीं आ पाए सर की कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर नज़र डालें या काफ़ी अलग काफ़ी डिफरेंट बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मेन कैरेक्टर राइट 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 ही इज़ अ लीड ये बताएंगे कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर पाएंगे बट ये है कि सर के साथ चीज़ें बहुत आसान हो गई जो हम लोग सोच रहे थे बहुत तो अगर सर इतने एक्सपीरियंसड हैं हमारे सीनियर हैं तो जो बहुत मुश्किल है चीज़ें थी बहुत सर ने बिल्कुल उनको आसान बना दिया ये देखिए आप सभी पूछेंगे लेकिन अपने आप में कमल चंद्रा जी का और रवि गुप्ता जी का जो प्रोजेक्ट है ये और उसका जो टाइटल है वो अपने आप में इतना सिंबॉलिक होते हुए भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत क्लियर है हम दो हमारे बारह आप समझे मुट्ठी खुलने से पहले अंदाज़ा तो हो गया है कि इस मुट्ठी में चांदी है सोना है कि डायमंड है तो वो टाइटल अपने आप में बता देता है और अंदाज़ा लग जाता है वैसे एक कभी मुझे मैसेज एक मिला था अपने लोगों के बारे में हम सब के बारे में भारतीय लोगों के बारे में तो मैसेज ये था कि हम जो इंडियंस हैं जो भारतीय हैं हिंदुस्तानी लोग हैं इंडियंस हैं हम स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं
सही बात। हम इंडियन स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, तो शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए, तो बोलो किसी दिन खुल के सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। आप समझे ना, ये कोशिश की है कि अच्छा काम कर सके। अब हमारी शक्ल सूरत ऐसी तो है नहीं कि हर आदमी दूसरा देखेगा हीरो बना देगा डांस कर लेगा, ना हमारे पास शक्ल है ना सूरत है ना टैलेंट है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। सो जो मिला उसको ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है, और आज ये हम दो हमारे बारह हैं, लेकिन आज ही मेरी अमेजोन ओरिजिनल सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है क्रैश कोर्स, आप देख सकते हैं अमेजोन के ऊपर। तो जब काम करो अच्छा काम करो, बस आप देखिए उसको।